हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी जो लोग शुक्र नक्षत्र में जन्मे हैं वो शुक्र ग्रह की शांति के लिए कौन कौन से उपाय कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म शुक्र नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए शुक्र ग्रह की शांति के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कौन से हैं वो उपाय। सबसे पहला उपाय, इस नक्षत्र के लोगों को अपने नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर स्नान करना चाहिए। ये लोग शुक्रवार के दिन और अपने नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष को दूध भी अर्पित कर सकते हैं। शुक्र नक्षत्र के व्यक्तियों को हर शुक्रवार के दिन प्रातःकाल में पीपल के वृक्ष की 7 परिक्रमा करने से भी लाभ की प्राप्ति होती है। इन लोगों को अपने नक्षत्र वाले दिन पीपल के वृक्ष के नीचे कपूर जलाना चाहिए। इसके साथ ही इन लोगों को अपने नक्षत्र वाले दिन पीपल के पेड़ को 7 सफेद पुष्पों को भी अर्पित करना चाहिए। इससे इन्हें उत्तम लाभ प्राप्त होते हैं। शुक्र नक्षत्र वाले दिन जन्मे लोगों को शुक्रवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आटे की पंजीरी को भी सहलाना चाहिए ताकि इन्हें अधिक से अधिक लाभ मिल सके और इनका जीवन सुखों से भर जाए। तो दोस्तों, आज मैंने आपको इस वीडियो में बताया है कि शुक्र नक्षत्र में जन्मे हुए लोग कौन कौन से उपाय करके शुक्र ग्रह की शांति कर सकते हैं ताकि उनके जीवन में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सके। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप तक हमारे द्वारा नए नए अपलोड्स की जानकारी समय समय पर पहुंचती रहे और आप इन वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ गुड डे।